एक मिनट है एक मिनट देखो तेरा रेड होता जा रहा है, मेरा भी रेड हो गया है। फातिमा एक्सपेरिमेंट करो, करो हो गई लाल रेड हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम की ऐप जिसका नाम है 1xBet। आप इस पे लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हैं, जैसा कि T20 भी आ रहा है, और आप इस पे पैसे भी जीत सकते हैं, कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपने जैस कैश अकाउंट और अपने इजी पैसा अकाउंट से 500 का डिपॉजिट कराएं, और अभी इस ऐप को डाउनलोड करें 1xBet को, और इसके अलावा मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और 16,000 तक की कैश अमाउंट जीतने का मौका हासिल करें। किस चीज़ का इंतजार करें, इतने काम की ऐप है, जाके भी डाउनलोड करें और इंजॉय करें। हाय गाइस, तो आज का जो व्लॉग है एस्ट्रोलॉजी का, वो मतलब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज इनकी सबको मैं मतलब उठा रही हूँ कि आज हमने जाना है पार्लर, वहाँ जाके बड़े काम करने हैं। तो इसीलिए मैं इनको सबको उठा रही हूँ, क्योंकि आज मैं इनकी अम्मी बनी हुई हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना मैं इस व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, और आपकी जो है ना वो उठने का नाम ही नहीं ले रही, वैसे बड़ी अच्छी बनती है, आज उठ ही नहीं रही है, उठ ही नहीं और बहाने मार रही है। अभी देखते हैं मैं इसको उठाती हूँ, देखते क्या करती है। आप भी उठ जाओ यार, मैंने उठाया फिर भी नहीं उठ रही, उठो आप ही उठो। अल्लाह का पका था, 1 बज गया, आप ही बहुत लेट हो गए हैं। झूठी दिखा ना, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, उठो। सारे बहाने, इतने घटिया बहाने हम नहीं सुनते। चलो लोग जा रहे हैं, आप उठो जल्दी जल्दी जल्दी, भागो भागो, चलो। तो क्या उठ जाओगे? उठ के वॉशरूम में जाओ, 1 बज गया, अल्लाह का पका होता जाना है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल अल्लाह, आप भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जान के एक्टिंग कर रही हो, माशाल्लाह से एक्टर तो बड़ी अच्छी हो कि एक्टिंग कर रही। उठो उठो, चलो। मैं गुस्सा बड़ा ज्यादा करती हूँ, आपको पता भी है। उठ गया, जाओ थप्पड़ पड़ेगा। आप भी चलो यार, आप भी अल्लाह का, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं करी, वरना मैं बहुत गुस्सा करूँगी। वो हम लोग लेट हो गए तो फिर आपको पता है, फिर रात को लेट वापस आएंगे, इसलिए अभी जल्दी निकलेंगे तो जल्दी जाएंगे। और तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, वॉशरूम तो जाओ, जाओ। मेरे कपड़े निकले हो, माय प्रेस पे जा। अच्छा प्रेस से मिल गया, चलो दो दो। हीरापी आप क्या कर रही हो? मैं शर्ट ढूंढ रही हूँ। कौन सी शर्ट पहननी है? ये यार, ये तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ पीछे टू क्यों होती है? तो मैं बुलावा आ रहा है, दिखाओ दिखाओ कौन सी वाली। ये वाली है, आई थिंक इसमें फातिमा लड़का बनती है, पर हाँ पहले पिछले दफा मैंने भी पहनी थी एक दफा, ये हम सारी पहने एक दफा पहन रही है, सॉरी मैंने ये पहन रही, ये मैंने अपनी वीडियो में पहनी थी। चलो इसको धोने वाले कपड़ों में रखते हैं, इधर नहीं रखते। मेरा मुंह पे क्यों मारे ये वाली, और कहाँ मारो, यहाँ रखते हैं। सबसे आखिरी वाली पहन लो, इसको प्रेस करना पड़ेगा। उसने कहा था कि कोई भी निकाल दो, तो जिस पे मेरा हाथ आएगा ना मैं वो निकाल दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये निकालूंगी, बस इनफ हो गया। नहीं नहीं तो बहुत गंदी है, कहते तो सूझबूझ के साथ मैंने ये वाली शर्ट निकाली है। और अब मैं सैड होती हूं, से हम तैयार हो चुके हैं जी। अच्छी होती थी। ओके तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बादाम कहाँ है? कहाँ पे कहाँ पे आपने खाए? मैंने 2 खाए हैं, मुझे लेके आओ, मैंने भी खाने हैं। सो चलो आप बादाम खाने। सर फातिमा कहाँ है? आज की हमारी ड्राइवर होंगी जी, ना दलन। ओके पहले पीछे हो, मुझे वीडियो बनानी है, मैंने कहा ओके। बाजी हेलो, बाजी बाजी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बाजी शिट, पापा का देखा निकालो, वो ये कितना प्यारा है, ये तो जुस्सा कितना प्यारा है। नहीं मतलब ये मैं लड़का होती तो मैं ले लेती। चल तुम क्या कर, तुम ड्राइविंग करोगी अभी? तो फिर क्यों बैठी हो? गाड़ी तो ठंडी करो यार, गाड़ी गर्म की हुई है। तो दाम वो फातिमा तुम ये रहे हो, शाबाश, ये है अभी ये प्रसाद, ये मेरी मम्मी ने हमें भगो के दिए हैं, और इन्होंने टिश्यू में बंधे हुए हैं।
ये सारे महल मेरे फोन के साथ कनेक्ट करना हो बापू से हत के लिए तू तो मैंने किया हुआ है। आप इधर क्यों आज बैठी हो बताओ कह रही है क्योंकि ना मैंने फोन पकड़ना है ना हाँ। तो इस साइड से लाइट अच्छी आएगी ना बड़ी शॉटी मेरी दफा भी लाइट अच्छी आती है मसला तो नहीं कहाँ देना जो हटाऊं शफीक अहमद तुम अंदर से भी बाहर से भी आ सकती थी मैं वही तो कह रही हूँ उसने स्टार्ट नहीं किया ये गाड़ी चला रही है और ये उसका मैप बन के बैठी मैप कहाँ है तुमने कहाँ खोला हुआ मैप गूगल नेविगेशन यार किधर है गूगल मैं तो जट पैदा हुआ बस खान वास्ते चांद वास्ते कैसे कुछ बारे में ना सोचो इसको रास्ता बता रहे हैं ये और मैं गानों बनी हूं यही एम वाला रोड पे तो आप यहां से जाओ आप उसी इशारे पे जाओ उधर चले जाओ नहीं तो यू टर्न लेके ना यहां से नहर पे चढ़ जाओ अभी हमारी अब्बा से लगी है क्योंकि ईरान ने चलाई है तेज स्पीड आज हमें लाइव डेमो मिला है भाई लाइव डेमो मैंने देखा गाड़ी तेज चली और एक्सीडेंट दूसरी गाड़ी फास्ट में पड़ी और हीरा ने एंड टाइम पे स्पीड बढ़ाई हम अब्बा का वॉलेट देने के लिए उनको आए थे और डांट का कटोरा लेके वापस जा रहे ये भी होता है एंड टाइम पे हमेशा जब आप इसमें मैंने भर दी सारी इसमें भर दी सारी वो मुझे डांट ना बाकी की ये जो लड़कियां हैं ना डांट से हीरा पे के दिमाग में आई है हीरा पे जो है ना नो दैट ऑल हनी नॉट दैट ऑल लर्निंग पोजीशन पे है हीरा पे हमें ना हीरा पे अपनी गाड़ी के पीछे अब आदमा में अपनी गाड़ी के पीछे एल लिखना चाहिए ना लर्निंग लाइसेंस तुम लोगों ने सुबह से अभी तक कुछ नाश्ते में नहीं खाया अगर रास्ते में कुछ लेना सवाल नहीं जवाब मेरी सवाल का जवाब दे दो जवाब दे दो क्या जवाब नाश्ते का बताओ क्या करना है नेविगेशन का सिर्फ ये एक ही काम है लोगों को खपाना कब से हम यहाँ घूमी जा रहे हैं लेफ्ट टर्न इनटू रिवर आगे खाली दोबारा कहेंगे टर्न लेफ्ट ये कहते ना किनाल रोड वाली साइड हम आ तो गए हैं किनाल रोड वाली साइड किनाल कितनी लंबी है ये होता है जिंदगी में जब आप गूगल वाली बाजी को फॉलो करते हैं लेफ्ट को तुम्हारा हाथ अभी किधर गया लेफ्ट 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 मतलब यहाँ हाथ राइट को नहीं ना तेरी पहले गई थी राइट राइट पे दीवार थी चला कोकाई जी तुमसे भी नहीं हैंडल हो रहा चलाको गाई जी से भी जो है वो हैंडल नहीं हो रही है मैप बाजी तो आप लोगों से कैसे हैंडल होगी ये है लेफ्ट कहीं कहाँ से कुछ तो निकले आई मुझे आ रही है मैं बस एंजॉय कर रही हूँ क्यों जिंकजी वाला अंकल बन जाती दो मिनट में चाचा जान दे जान दे तो कहानी कुछ ऐसे है कि हम पहुंच चुके हैं लेकिन ना हमें समझ नहीं आ रही गाड़ी पार्क कहाँ करनी है तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मसला है कि गाड़ी पार्क कहाँ करनी है रबिया कॉल कर रही है आज तो सबका मीठा घुमा हम तो रिलैक्स होकर पीछे बैठ गए हैं देखो और तुम्हें इधर से जाना चाहिए था यहाँ से उधर जाने था तुम उसके गड्ढे के ऊपर से मेरे नहीं मैं बताती हूँ मैं इधर से ना सिर्फ उधर खड़ी करने की कोशिश की थी अब यहाँ से तुम वहाँ जाओ चलो जी फाइनली हमको जगह मिल गई है गेट खुल रहा है तो जरा हम भी अंदर जाते हैं हाँ काटो 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 हेलो हाँ खोल दिया गेट थोड़ा ऊपर से काटो पूरा काटो जी ओके नाउ वी आर गोइंग ओके सो वी आर हियर आप भी उतर गई फातिमा उतर गई इनके तो फातिमा और हीरापी का तो होश उड़े हुए हैं क्या कहना चाहोगी फातिमा गाड़ी के बारे में मेरे होश नहीं उड़े हुए मेरे क्यों होश उड़े नेविगेशन ने नेविगेशन बड़ी बदतमीज लड़की है यार
मैं वही तो कह रही हूं कि यहां पे बताओ कैसा एक्सपीरियंस है, डर गई थी क्या? वर्स्ट एक्सपीरियंस नेविगेशन के साथ, पता नहीं मैं कहां, मैं वही तो कह रही हूं चला करती चला चल के आई जी को डीजे पे ले गई। चलो हम अंदर जाके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखे ना जरा सच के बैठती हुई सारी, इसको देखे ना जरा चलाको का आई जी साथ ही शरीफ बनते हुए की एक्टिंग करते हैं। और ये दोनों तो ऐसे मोबाइल पे लगी हैं, बेचारी दोनों ड्राइविंग में मसरूफ थी, अपना मोबाइल यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला इनको। व्हाट राबिया डिड विद माय फुट, सुने ये आपने मुझे दरवाज़ा मारा, मेरे पैर पे लगा और मेरे पैर पे अभी दर्द हो रही है। अब इंसान मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम ना लगाओ। नो 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 अपनी। अब तुम जा रही हो? जी बाय। जी बाय। ये बच गई है। जा रही हो तुम? तुमने बताया नहीं कि तुम जा। लाओ सारे बैग मुझे पकड़ा दो। तो तुमने इतना कम की चार्ज किया था? फुल था वो। चलो जाओ ध्यान से ख्याल से करवा के आओ। शाबाश। क्या करवाने आई हो यहाँ से? इतना मासूम मुंह है नहीं जितना तुम बना रही हो। बनाओ मासूम। बना क्या होते? इसको भी जब मेरे से काम होता है कैसे आती हो तुम? ऐसे आती है ये मेरे पास, अब फिर कहेगी अब ये क्या हरकतें हैं? शौक है। मैं आपको बताती हूँ छोटे थे पेंसिल को क्या कहती थी। तल। मुझे कहती थी आप ही तल तल पेंसिल दे, तल कॉपी कॉपी तल तल। मैं तो बचपन में बहुत कारनामे किए हैं। मैं अपनी एक बुक लॉन्च करूंगी, उस पर एक सीरीज बनाऊंगी अपने बचपन पे। इतना कुछ किया ना मैंने बचपन में, इतना कुछ। आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। और वो जो इसकी जो सारी खुराफाती हरकतें होती थी ना, उसमें हमेशा हम हीरा को दूर रखते। हरकतें होती थी खुराफाती, क्या दिमाग होता है ना जो तुम्हारे इस दिमाग में से निकलती थी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। तो हम यही करते थे कि इसकी हर कांट में मैं इसके साथ होती थी और अब राबिया होती है तुम्हारे हर का। बहुत कांट किए इतने कि आप लोगों ने कह रहे हैं कि ये दुनिया ये इस ऐवे नहीं, हम इसको कहते हैं फातिमा और इसकी चलाकियाँ। इसके पीछे दुनिया पता की लोगों के चूल्हे पता किए हैं, लोगों के आइसक्रीम लोगों की चिप्स पता किए हैं, पता नहीं क्या क्या पता किया इसने। ये कोड वर्ड मैं नहीं बता सकती। मैं एक अपनी एक पूरी सीरीज बनाऊंगी, उसमें मैं अपने बचपन से एक बचपन का कैरेक्टर ऐड करूंगी, बड़ा 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 जो भी मेरे साथ जिंदगी में। मैं अपनी और आपको मैं बताती हूँ, पता क्या करती थी? शॉपर पैक करती थी और घर से कहती थी कोई इसको डांटता था मारता था घर से भाग जाती थी, और पता कहाँ जाके पार्क में बैठ जाती थी और वहाँ दोस्तों में आके मगरिब के बाद वापस आ रहे थे। हम में से कोई इसको लेने नहीं जाता। और मेरी इतनी बेइज्जती कि घर में किसी को फील ही नहीं होता था कि मैं घर से भाग रही हूँ। ये मगरिब के बाद घर आती थी, आगे से कहती थी मैं घर छोड़ अब मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैं अपना घर छोड़ के चली गई क्योंकि मम्मा ने मुझे डांटा और मैं घर छोड़ कर चली गई। मैंने कहा मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। मैंने सामान वगैरह अपना छुट्टियों का काम था समर वेकेशन, मैंने वो पैक किया अंदर डाली और चली गई। एक सूट भी पैक कर लिया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ यहाँ से। पैदल चली गई घर से बाहर, गई गई एक पार्क में बैठी थी, काफी गर्मी थी सर्दियाँ थी थोड़ी, वहाँ से धूप वगैरह ऐसे ली और वापस। एक मिनट, समर वेकेशन में सर्दियाँ कहाँ से आ गई? पहली बात गर्मी थी, तुम गर्मी में? हाँ गर्मी थी, मेरा माइंड एकदम से हो गया कि मैंने तो फ्रॉक मोटी रख ली थी शायद। तो मैं ऐसे ना बैठ गई जाके, तो ना फिर मैं गई घर वापस आई तो मम्मा फोन पे लगी हुई वैसे यहाँ पता नहीं किसी के साथ। और किसी के साथ? अपनी अम्मा के साथ। और किसके साथ? यहाँ अपना इसका अपना कारोबार चल रहा। मैं घर आई हूँ ऐसे कि मैं होके भी आ गई घर और मुझे मतलब नो वैल्यू, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर छोड़ के भी आ गए। पता नहीं चला। तो ये होता है जिंदगी में। जब मैं कह रही थी तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, अब मुझे फोन करके कह रही है जी खाना ऑर्डर कर लो। मतलब मैंने बादाम वो मैंने खा लिए सारे। नाश्ता क्या करना है बताओ, मैं ऑर्डर करूँ? कुछ भी करता है। और यहाँ हीरा भी जो है वो लैश लिफ्ट कराते हुए तो मैं जब मैं रास्ते में कह रही थी कि मुझे नाश्ता लेने दो तो फिर तुम्हें क्या मसला हो रहा था? अब तुम्हें याद आ रहा है? मैं राबिया को तुम्हारी आंखों पे ग्लू ग्लू लग रही है। अभी मेरी बारी भी आनी है। वाओ चलो मैं जा रही हूँ नाश्ता ऑर्डर करने, फिर आ जाना। रुको जरा, ए औरत मेरे बगैर नहीं जा सकती थी। अब इसके ना ये जो अभी मैं आपको इसके छोटे छोटे नेल्स दिखाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि
मैं सासा जा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लंबे लगवा के इसका क्या होता है, क्या ये नेल्स खाएगी या नहीं खाएगी। ओ वाओ, आई विल एंजॉय नेल बार। वाओ, हाथ की शेप के अकॉर्डिंग देखें इसके क्या अच्छे लगे। नेल तो है ही नहीं। नेल बहुत ज़्यादा ही पी हुई है। पहले कभी कराए? खुद लगाती ग्लू से रात को और सुबह उतरते। आए होंगे ना कि ये परमानेंट होते हैं। मुझे ना टिप लगानी, फुल लेंथ तो लगाना नहीं। जब हम फेक लगाएंगे ना, हम यहाँ रह के नेल लगाएंगे वो टिका रहेगा। मुझे लगानी है ये टिप। देखा, टिप के लिए जगह ही नहीं बच रही, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये परमानेंट नहीं होंगे। ये उतर भी सकता है, थोड़ा जल्दी भी उतर सकता है। ठीक है, जो आपने माइंड सेट किया होगा कि ये रेगुलर चलेगा, लेकिन ये है अगर आपका चल जाए वेल एंड गुड। अगर आप इतना ज़्यादा हाथों से काम नहीं करते ये तो खाना ना बस उनको। ये रेड इधर से क्यों हो रहा? देख रही है तुम्हारे आज नाखून तुम्हें मिस कर रहा। तुम कह रही थी मुझे ही तो ज़रूरत है। चले ज़रा मैं अब आपको ले कर आती हूँ दोबारा फिर फातिमा के पास। क्या हो रहा है तुम्हारे हाथों को? काम हाथ तो दिखाओ, नेल्स लगे। वाह, ये तो तुमने बड़े बढ़िया, तो तुमने ये शेप, ये फातिमा ने तो मैंने कहा था स्क्वायर शेप रखवाओ। अब अपनी अपनी मर्जी होती है। ये देखो मेरे असली हैं, शुद्ध असली। वाह, ऊपर से जब आपकी बहनें काम करा रही हूँ और आपको बाहर ऑर्डर लेने के लिए जाना पड़े तो जाना पड़ रहा है मुझे। ये दरवाज़ा लगा था मुझे। सो अब मैं ऑर्डर पिक करने के लिए जा रही हूँ। दोनों ने सब मसरूफ़ है और एक अकेली मैं बेचारी बच्ची काम करते हुए इनके किन के नाश्ता सर्व करने, बच्चियों को भूख लगी। हाय हीरा, दिखाओ। वाह, हीरा ने आई लैश लिफ्ट कराई है। नाइस यार, यू लुक सो डॉल। प्रोडक्ट अच्छी यूज़ है, वेरी नाइस। ओके, तो मेरी एज यू कैन सी कि आप देख लें कि मेरी आई लैशेज ऊपर हो गई हैं और अब आप भी करवा रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे करवा रही हैं। आप भी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। हंसते रहो। मेरी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हैं। मैं इसके कैमरे की बिल्कुल गलत बात में क्या बोली जा रही हूँ। ओके, तो फिर हम आपको दिखाते हैं इनका भी फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आपकी की हो गई है लिफ्टिंग, आपकी परी बन चुकी है और खुश हो रही है। ठीक है, और ये आपसे की भी हो गई है, वो भी खुश हो रही है। मैं भी खुश, बहुत ही खुश और खुश, या हम सब खुश ही खुश, खुशी सब। यहाँ पे पिक्चर सेशन हो रहा है। आज ना पहनूं? ओके, और तुम्हें पता है कि इन्होंने बोला कि पानी नहीं लगाना, तो मैं सोच रही थी कि इतने दिन मैं रहूंगी कैसे। मैंने भी यही क्वेश्चन किया, सॉरी, मैंने भी यही क्वेश्चन किया और मैंने ये भी कहा था कि रिस्ट्रिक्टेड साइलेंस एरिया, सो और वो ना वजू भी करना होता है ना, तो वो फिर बट मुझे तो रोने का मसला था ना, मैं कैसे रह लूंगी। ओह माय गॉड, आपने क्यों रोना है? मैं कहती रोती तो नहीं हूं, तो मैंने कहा छुप छुप के मैं भी यही मैंने पहले पूछा, मैंने कहा मैं रोऊंगी कैसे। चला, सो अब हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं हम। तो अब मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ और हम इजीली बोल सकते हैं बिकॉज मेरा जो स्पीकर है वो थोड़ा फटा हुआ है, मेरे बाल भी फटे हुए हैं। सो इस टाइम हमारे घर की सबसे चलाक जो फूफो है ना, वो खामोश बैठी हुई हैं। ठीक है, जो खामोश रह नहीं सकती हैं। What the hell? लगेगा सब।
मैं अब जा रही हूँ, मुझे एक मीटिंग पे जाना है और ये मेरी बहन अपनी फन करते हुए, इनको फन करते हुए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने भी लग करवाई तो ग्लासेस पहने थे, इनको फन करते हुए छोड़ना मुश्किल ही होता, तो वो अल्लाह यार मेरा बैग किधर है। मैं भी सुने वो लॉकर में आ, चाबी मैंने हीरा को पकड़ा दी है, लॉकर खोलो उसमें। आप लोगों ने नेट पे आजकल चल रहा है नेचुरल ब्लश, ये रखवा ये देखें जी, ये देखिए तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है ब्लश लेने के लिए नेचुरल ब्लश। हाँ थप्पड़ मारूं दो फिर सेट हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ क्या हरकत करती है ब्लश। ओए वो वॉकिंग एक मिनट है, एक मिनट देखो तेरा रहा है, मेरा भी रेड हो गया है। फातिमा एक्सपेरिमेंट करो, करो हो गई लाल रेड हो गया। इसे कहते हैं चुपेड़े। सो या गाइस, मैं आते साथ सो गई थी और मेरा आज का दिन बहुत 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 अच्छा गुजरा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। मैं सो गई थी मतलब मेरी आई स्वेल हो गई है, कोई बात होता है ऐसा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरह के व्लॉग्स के लिए एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।